ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एआईसीसी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा रह चुकी हैं और आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दो दिन पहले ही वो कांग्रेस से इस्तीफा देती हुई नजर आई थी और आज वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। साथ ही बता दें कि अभिनेता शेखर सुमन ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां अभिनेता शेखर सुमन भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। एआईसीसी की प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गई। साथ ही बता दें कि दो दिन पहले ही वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देती हुई नजर आई थी। उन्होंने अपने साथ छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने और साजिश के गंभीर आरोप लगाए थे। उनका दावा है कि उन्होंने ये मुद्दा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष उठाया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई इसको लेकर नहीं की गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और इसी के चलते आज उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव का मीडिया प्रभारी थी, मेरा लगातार अपमान किया जा रहा था और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने मुझे शराब की भी पेशकश की थी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आज इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद उन्होंने पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, उसके बाद आज वो बीजेपी का दामन थामती हुई नजर आए। ये तस्वीरें आप बीजेपी कार्यालय से देख सकते हैं। ये दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एआईसीसी की प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही अभिनेता शेखर सुमन ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने साथ छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने और साजिश रचने का भी आरोप लगाया था, उसके बाद दिल्ली से ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। वहीं इस पर तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, लगातार देखा जा रहा था कि जो दल बदलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एआईसीसी की प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्या लगता है, इससे क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो होना ही था। राधिका खेड़ा के साथ यहाँ पर जो है कांग्रेस का मीडिया सेल है, उनके प्रभारी है, उनके अध्यक्ष थे सुशील आनंद शुक्ला, उनसे उनकी बहस हुई, कहा सुनी हुई और राधिका खेड़ा ने आरोप भी लगाया कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, मेरे साथ धक्का मुक्की की गई, मेरी कोई बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने सारे यहाँ कांग्रेस के नेता है उनको फुल फोन भी लगाया लेकिन किसी ने फोन उठाया नहीं, उनको रिस्पॉन्स मिला नहीं और वो यहाँ तक कि उनको रोना भी पड़ गया। और ये पहला मौका नहीं है आकांक्षा की जो कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इससे पहले रोहन गुप्ता और गौरव वल्लभ भी छोड़ चुके हैं और आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव के समय प्रियंका चतुर्वेदी भी इसी तरह कांग्रेसियों के कुछ दुर्व्यवहार की शिकायत की थी, जिस पर उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला तो छोड़कर शिवसेना चली गई थी। तो राधिका खेड़ा को तो खैर कांग्रेस छोड़ना ही था क्योंकि उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और अब इसको ये भी माना जा सकता है कि वो देख भी रही है छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का कोई भविष्य दिख नहीं रहा है और जिस तरह से गुटबाजी हावी है वो उसको उनको रास नहीं आई। और ऐसा लगता है कि ये सिलसिला सिर्फ राधिका खेड़ा से नहीं शुरू हुआ है या राधिका खेड़ा पे थमने वाला नहीं है, ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि चुनाव के समय तो इस तरह की जो है आया राम गया राम की जो राजनीति है चलती ही रहती है। लोग अपने अपनी पसंद और अपनी अपनी शर्तों के हिसाब से जो है एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं। राधिका खेड़ा ने हालांकि अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को जो है कारण नहीं बताया है कांग्रेस छोड़ने का और या बीजेपी प्रवेश का, उन्होंने रामलला के स्वागत की बात को अपना नाराजगी का कारण बताया है। तो रामलला को लेकर ही जो है गौरव वल्लभ ने ही पार्टी छोड़ी थी कांग्रेस के स्टैंड को लेकर, उसी बात को लेकर रोहन गुप्ता ने भी पार्टी छोड़ी थी। तो प्रवक्ताओं का इस तरह से कांग्रेस का छोड़ना ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं झटका है क्योंकि अब उनको डिफेंड कौन करेगा? देखिए, वैसे ही उनके प्रवक्ता बहुत कम बचे थे और अच्छे प्रवक्ता इस तरह छोड़कर चले जाएंगे तो फिर कोई बात बचती नहीं है। जी आकांक्षा। वहीं अनिल जी, अगर बात करें तो चुनाव के समय में इस तरीके से दल बदलना बहुत आम सी बात है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीति में भी बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है बीजेपी के लिए ये कितनी मजबूती की बात है और कांग्रेस को किस तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ेगा? देखिए आकांक्षा, आज तो जो कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा की जो बची हुई 7 सीट है उस पर मतदान हो रहा है और आधे से ज्यादा मतदान हो चुका है तो उनके
आने और जाने से छत्तीसगढ़ की राजनीति पर तो ऐसा कोई बहुत असर पड़ता दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले ही भाजपा जो है बहुत स्ट्रांग है। यानी पिछली बार जब विधानसभा में बहुत बुरी हार हुई थी भाजपा की, उसके बावजूद भी चंद महीनों के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो 11 में से 9 सीट भाजपा की झोली में गई थी, और इससे पहले भी 10 और 11 और सीटें जो है भाजपा झटक चुकी है। तो कांग्रेस को यहाँ 1 और 2 सीट से ज्यादा कभी मिली नहीं है छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने के बाद, तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के पास यहाँ है नहीं। और राधिका खेड़ा का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव है नहीं, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर की जो है प्रवक्ता है, AICC की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो उनका जाना कांग्रेस के लिए ओवरऑल देखा जाए तो एक झटका हो सकता है। जी अनिल पुसदकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि AICC की प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी थी, जिसके बाद आज उन्होंने BJP का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पर भी इससे पहले कई गंभीर आरोप लगते हुए नजर आए थे और आज वो BJP में शामिल हो चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो दल बदलने का सिलसिला है वो सामने आ रहा है। अभिनेता शेखर सुमन भी BJP में शामिल हो चुके हैं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप BJP कार्यालय से देख रहे हैं जहां आज उन्हें BJP में शामिल किया गया है। तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहां पहुंच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, रामलल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का, राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं, आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं रामलला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है, और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया और माता कौशल्या के धरती पे राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी ये कांप रही हूं जब मैं उस पल को वापस जीती हूं। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का, और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं रामलला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, AICC की प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा BJP में शामिल हो चुकी हैं। 2 दिन पहले ही कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद आज उन्होंने BJP का दामन थाम लिया है। बता दें कि अभिनेता शेखर सुमन भी BJP में शामिल हो चुके हैं।